नमस्कार दोस्तों, अल्फा इंडियन मैन की इस वीडियो पर आप सबको स्वागत है। वीडियो मैंने सारी शूटिंग कर दिया है, इंट्रो अब रिकॉर्ड कर रहा हूँ। पहले मैं प्रॉब्लम को सॉल्यूशन ढूंढने में बिजी था, वो सॉल्यूशन सब कुछ मिल गया है जिससे आपको भी मदद मिल सकती है। वो वीडियो बनाया है, पूरी देखिए, लेट्स वॉच। देखो दोस्तों, मेरा कंप्यूटर की ये हाल है। The last attempt to resume the system from its previous location failed. Attempt to resume again. Use the arrow keys to highlight your choice. So, यहाँ पर अगर मैंने पहली ऑप्शन पे स्क्रॉल डाउन करता हूँ, कंटिन्यू विद सिस्टम रिज्यूम को सेलेक्ट किया तो रिस्टार्ट करे तो वो फिर से यही स्क्रीन पर आकर वापस आती है। मैं दिखाता हूँ इंटर करके। So check this out, running Windows दिखा रहा है, right? तो फिर से no signal, ये वाली स्क्रीन आती है। मेरे जो इंटरनेट में सॉल्यूशन वाली जो वीडियोस हैं, उससे मेरी सिचुएशन डिफरेंट है। वहां पर विंडोज डीवीडी को यूज करने के लिए बोल रहे हैं ओएस को, मगर मेरे हिसाब से मेरी कीबोर्ड फंक्शन कर रही है नॉर्मल तरीके से, सो मुझे वो ऑप्शन यूज करना नहीं पड़ेगा। और दूसरा एक वेबसाइट में मैंने पढ़ा, फिर से रिस्टार्ट करता हूँ। सो वेबसाइट में पढ़ा कि सेकंड ऑप्शन लो तो मेरी प्रीवियस सेशन की जो डेटा जो मैंने सेव अप किया था वो सब चली जाएगी लगता है। ज्यादा डेटा नहीं था मेरे हिसाब से। सो मैं अभी सेकंड ऑप्शन को चूज करूंगा और डेटा मेरे हिसाब से चला जाएगा। और उसे चूज किया तो मैं डेटा को लूज नहीं करना चाहता, देखते हैं क्या होता है। तो अभी मैंने अपनी विंडोज 7 ओएस को डाला हूं यहाँ पर सिस्टम पे। सो ये पॉइंट पर है, डाल के मैं रिस्टार्ट करूंगा तो इससे मेरी डाटा कुछ भी अफेक्टेड नहीं होगा, जैसे मैंने यूट्यूब पे वीडियो पे देखा है। तो अभी डाला हूं तो रिस्टार्ट करूंगा सिस्टम को। सो लेट्स चेक इट आउट। और प्रेस यानी कि टू बूट फ्रॉम डीवीडी बोला है, बूट प्रेस यानी कि होप इट कम्स डीवीडी बूट ऑप्शन। यस नो आई एम नॉट गेटिंग इट, लेट्स ट्राई अगेन। सो इट इज नॉट बूटिंग फ्रॉम द डीवीडी आई गेस, सो टू डू दैट सिस्टम रिस्टोर थिंग इट हैज टू शो इन द बिगिनिंग इटसेल्फ, बट द डीवीडी इज नॉट बीइंग डिटेक्टेड। ओके आई विल डू वन थिंग, आई विल शट डाउन द पीसी डायरेक्टली एंड ट्राई अगेन। सो दोस्तों, जैसा वीडियो में मैंने देखा था तो पहले मेरे डीवीडी को डाल के रिस्टार्ट किया तो बूट नहीं हो रहा था। फिर मेरी बायो सेटअप F12 मेरी सिस्टम में ऐसा है, बूट मेन्यू को एंटर करने के लिए उसे प्रेस करके मैंने डीवीडी से डायरेक्ट सीडी रॉम बूट ऑप्शन चूज किया। तो अभी डीवीडी पर ओएस बूट हो रहा है, फिर उसके बाद मुझे रिपेयर ऑप्शन चूज करना है, तब मैं कंटिन्यू करूंगा वीडियो। से वीडियो में बोला गया था मैंने डीवीडी डाली और बूट मेनू से जाके सीडी डीवीडी रॉम को बूट करने के लिए सेलेक्ट किया। तो अभी यहाँ पर आया है, यहाँ पर मैंने एक चेंजेस किया, यहाँ पे इंग्लिश इंडिया सेलेक्ट किया जो यूनाइटेड स्टेट्स में था, जिसे मैं पहले यही ऑप्शन चूज किया था इसीलिए वही चूज कर रहा हूँ। अभी नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे रिपेयर योर कंप्यूटर चूज करना है, चूज किया। सो अभी लोड होगा। ओके यही उनको भी दिख रहा था। होप अल्फा इंडियन मैन फिक्सेस दिस इशू। मैंने बहुत सारी अपनी कंप्यूटर की इश्यूज मैंने कुछ साल किया है और बहुत सारे पैसे बचाया है इस वजह से। सभी को
अगर आप यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो जरूर सिस्टम मेंटेनेंस की नॉलेज होनी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप खुद की ओएस सॉफ्टवेयर सब इंस्टॉल कर सकते हो तो बहुत पैसा बचेगा। सो लेट्स चेक दिस ऑप्शन। सो यहाँ पर आनी थी। लकीली मेरा ये हुआ है कि मेरा कीबोर्ड चल रहा है तो वो इशू नहीं है मेरा। तो अभी इस ऑप्शन को चूज करना है हमें। सो विंडो 7 लोकेशन F ड्राइव दिखा रहा है, मैंने तो C ड्राइव पे किया था। यूज रिकवरी, अगर ये दिखा रहा है F ड्राइव पर तो वही पर होगा, मगर ये गलत है, मैंने तो C ड्राइव पर इंस्टॉल किया था। अगर इसे चूज करो तो क्या होगा? ओह माय गॉड, यूज रिकवरी स्टोर्स, एक कुछ डिलेमा हो गया मेरे सिस्टम का। मेरा पुराना वाला ओएस का डिटेक्ट किया होगा लग रहा है। यू कैन हेल्प फिक्स प्रॉब्लम स्टार्टिंग विंडोज, सेलेक्ट एन ऑपरेटिंग सिस्टम टू रिपेयर, चेक लोड ड्राइवर्स एंड देन इंस्टॉल ड्राइवर्स। ओके, लोड ड्राइवर्स, इंसर्ट द इंस्टॉलेशन मीडिया फॉर दिस डिवाइस एंड प्लेस ओके। ओके, वाओ, व्हाट इज दिस। ओके, सी पे सिर्फ 99 MB दिखा रहा है। ओके, बूटेक्स, वो तो मेरा DVD है। ओके, यस, यफ पर ही मेरा OS है, बिकॉज मुझे पता है कि वो 97 GB ही है वो सी ड्राइव, मगर यहाँ पर यफ दिखा रहा है। जो सी ड्राइव यहाँ पर दिखा रहा है वो मेरा यफ है। ये कुछ सिस्टम आइडेंटिफिकेशन में कुछ उनका टेक्निकली उनका कुछ है, मुझे पता नहीं। तो डेफिनेटली सी मेरा वो एक्स्ट्रा 100 MB मैंने ऐसे छोड़ा था, जो पुराने OS इंस्टॉलेशन पे उसे क्लीन किया था तब ऐसा बचा है 100 MB। तो यफ चूज कर सकता हूँ सेफली। ओके, सो देन कैंसल। सो इसे सेलेक्ट करना है राइट और नेक्स्ट दबाना है। यूज रिकवरी टूल्स दैट कैन हेल्प फिक्स प्रॉब्लम स्टार्टिंग विंडो, सेलेक्ट एन ऑपरेटिंग सिस्टम रिपेयर, यस करेक्ट। सो नेक्स्ट दबाना है। द वर्जन ऑफ सिस्टम रिकवरी ऑप्शन इज नॉट कंपैटिबल विद द वर्जन ऑफ विंडोज यू आर ट्राइंग टू रिपेयर, ट्राई यूजिंग रिकवरी डिस्क दैट इज कंपैटिबल विद दिस वर्जन ऑफ विंडोज। ओ, डेड एंड, नॉट वर्किंग। ओ माय गॉड, सो दिस ऑप्शन इज नॉट वर्किंग। सेफ मोड, वाओ, स्टार्ट विंडोज नॉर्मली। कुछ ज्यादा कुछ रिपेयर विपेयर मैंने कुछ नहीं किया, फिर भी स्टार्ट हो रहा है, देखते हैं क्या होता है। मैंने वो रिकवरी का फुल ऑप्शन किया ही नहीं, सिर्फ DVD अंदर डाला था। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ओके, चेकिंग फाइल सिस्टम ऑन सी, डिस्टर्ब फाइल सिस्टम CTFS, वंस ऑफ योर डिस्क नीड्स टू चेक फॉर कंसिस्टेंसी, यू मे कैंसिल द डिस्क चेक, आई स्ट्रांगली रिकमेंडेड। ओके, चेक करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ऐसा प्रॉब्लम इसलिए होता है दोस्तों कि जब आपकी सिस्टम स्लीप मोड में हो, हाइबरनेट मोड में हो, जैसे आप सिस्टम यूज कर रहे हो और आप कहीं पर कुछ और काम करने के लिए चले गए सिस्टम ऑन रख के, तो आपका थोड़ा सिस्टम सॉफ्टवेयर एडवांस है तो ऑटोमेटिक स्लीप मोड में चला जाएगा। अगर आप कुछ सॉफ्टवेयर, कुछ वीडियोस कुछ नहीं रन कर रहे होते हैं तो स्लीप मोड में ऐसे स्टिल होता है, पूरी तरीके से ऑफ नहीं होता वो, हार्ड डिस्क मेमोरी सब कुछ एक लो पावर में चल रहे होते हैं। जब आप डायरेक्टली आप भूल जाते हैं कि आपको लगता है कि आपने शट डाउन किया है और आप डायरेक्टली पावर ऑफ कर दिए तो सिस्टम में करप्शन, ऐसा करप्ट फाइल हो जाता है जिससे आपको सिस्टम को आसानी से रिज्यूम नहीं कर पाते, तो ये इश्यू होती है। तो यही इश्यू से मेरी सिस्टम को ऐसा हुआ है। मैं समझता हूँ कि मुझे दो तीन कल मैंने यूज़ नहीं किया, उसके पहले मैंने यूज़ किया था, तब मैंने मुझे लगा मैंने डायरेक्टली ऑफ कर दिया, क्योंकि मैं जब आया तो CPU कुछ साउंड नहीं कर रहा था, तो स्लीप मोड में था, मैं भूल गया कि मैं शट डाउन किया हूँ, मुझे लग रहा था, मगर मॉनिटर वहाँ पर कुछ लाइट है, यहाँ पर है, कीबोर्ड पर लाइट है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था, फिर भी ऑफ कर दिया। तब बाद में जब मैंने ऑन किया तो ये इशू
जैसे दिखाया था वो आ रहा है. तो विंडोज हैज फिनिश चेकिंग. होप वी कैन गेट बैक टू अवर नॉर्मल विंडोज विदाउट एनी इश्यूज. ओके फिर से बूट अप हो रहा है. ऑलरेडी 3 मिनट हो गए वीडियो को. तो जैसा विंडोज 7 लोडर फिर से वाओ. ये तो लूप में तो नहीं चले जाएगा ना. फिर से ऐसा ही करना पड़ेगा. देखते हैं. तो एक यूट्यूबर बनने के लिए दोस्तों मीन्स अगर आप इंडिपेंडेंट यूट्यूबर हो घर में बना रहे हो अकेले तो ये सब जानना टेक्निकल चीज़ें वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत पैसा बचेगा टाइम बचेगा और यस वाओ अमेजिंग अमेजिंग दोस्तों अमेजिंग. ओके गेटिंग इनसाइड. मैंने पूरा उसका जो वीडियो में था रिकवरी ऑप्शन मैंने पूरा वो किया ही नहीं. देखो अरे की अलग अलग एक्सपीरियंस होती है इसीलिए शेयर करना वेरी इंपॉर्टेंट. तो मेरा ऐसे ही लोड हो गया. सिर्फ डीवीडी डाला वो चेक किया रिकवर जाने के लिए आधे पॉइंट में ही मेरा सिस्टम कुछ आ गया है बूटिंग पे. बूटिंग से रेगुलर मेरी लोडिंग पे. होप ऑल द डेटा फाइल्स रिमेन इनसाइड. ओके बहुत अंदर है. मेरा माउस ऑन वायरलेस माउस है. ओके मेरा होम स्क्रीन आ गया है. जबरदस्त यार सब कुछ बैक टू नॉर्मल.